हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री विद स्पार्क। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम आपके एग्रीकल्चर के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेयर आर दी नेम ऑफ द एग्जाम्स, जैसे कि आपके AFO, BHU, NABARD, UP CATER, AAO, ADO, ठीक है, एंड जितने भी आपके एग्री या हॉटी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, उनके पॉइंट से सेशन आपके लिए यूजफुल रहता है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोंग्या वर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। अब जो टोंग्या वर्ड है, ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है, दैट इज लैटिन से, ग्रीक से, बर्मीज से या संस्कृत से। तो सबको पता है टोंग्या फॉरेस्ट, आपको पता है ना। तो जो टोंग्या वर्ड है, ये जो टोंग्या शब्द है, वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ये आपके बर्मीज जो आपकी लैंग्वेज है, इससे लिया गया था कब, दैट इज 1850, ठीक है, 1850 में। टोंग्या वर्ड इज डिराइव फ्रॉम बर्मीज लैंग्वेज एंड इन दी 1850। द वैल्यूएबल अमीनो एसिड लाइसिन कंटेंट, ठीक है, अब जो एक वैल्यूएबल अमीनो एसिड है, क्या नाम है उस अमीनो एसिड का, लाइसिन है, ठीक है। वो पूछ रहा है सोयाबीन ग्रेन्स में कितने परसेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम सोयाबीन के रिगार्डिंग जान लेते हैं, जस्ट वेट। ओके, सो सबसे पहले देखो, जो सोयाबीन है, सोयाबीन का जो सीड डेट होता है, ठीक है, सोयाबीन का सीड डेट कितना होता है, दैट इज 75 to 80 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। सोयाबीन का सीड डेट कितना है, 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में सोयाबीन में कौन सी स्पीशीज आपकी यूज़ होती है, दैट इज राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है, राइजोबियम जैपोनिकम जो स्पीशीज है उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन करते हैं ना, हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज फ्लोक्लोरेन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के लिए हम फ्लोक्लोरेलिन, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। और अगर मैं पूछूं कि आपके सोयाबीन के अंदर कितने परसेंट ऑयल और कितने परसेंट प्रोटीन रहता है, सो 20% याद रखना, दैट इज़ ऑयल और 40% प्रोटीन, ठीक है, 20% ऑयल रहता है और 40% प्रोटीन रहता है। इसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था कि जो वैल्यूएबल अमीनो एसिड है लाइसिन, ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड है लाइसिन, तो वो सोयाबीन में कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, तो याद रखना, दैट इज़ 1, 3, 5 या 7, तो लाइसिन जो प्रेजेंट होता है वो है 5%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एंड इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। इतने पॉइंट याद रखना, सोयाबीन का सीड डेट 75 to 80 kg होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सोयाबीन का राइजोबियम जैपोनिकम स्पीशीज़ होती है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में हम फ्लोक्लोरेन का यूज़ करते हैं, सोयाबीन में 20% ऑयल एंड 40% जनरली आपका प्रोटीन देखने को मिलता है। वहीं अगर हार्वेस्टिंग इंडेक्स की मैं बात करूँ, सोयाबीन के हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ सोयाबीन, दैट इज़ कितना होगा बताओ, हार्वेस्टिंग इंडेक्स लिख लेना इसको, आप नोट कर लेना कि जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है सोयाबीन का, वो होता है 13 to 14%, ठीक है, 13 to 14% इज़ दी हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ योर सोयाबीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच मेल स्टेरिलिटी इज़ हाईली अनस्टेबल। अब कौन सी मेल स्टेरिलिटी जो है हाईली अनस्टेबल होती है, यानी स्टेबल नहीं है वो मेल स्टेरिलिटी जो है, अनस्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो मेल स्टेरिलिटी है वो कौन सी होती है, दैट इज़ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कौन सी होती है, बी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। वहीं अगर मैं आपसे पूछूँ किस किस में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, तो याद रखना, वीट, मेज, बारले, नोट कर लो, वीट में, मेज में, बारले, सॉर्गम, ठीक है, ल्यूसर्न, उसके अलावा कॉटन, सनफ्लावर, ठीक है, इन सारों के अंदर ही आपकी क्या पाई जाती है, दैट इज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। मेज, वीट, बारले, सॉर्गम, कॉटन, सनफ्लावर, इन सब में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा कुकुरबिट्स में भी प्रेजेंट होती है आपके, ठीक है, एंड टमाटो में भी आपको जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है वो देखने को मिलती है। अगर मैं पूछूँ CGMS, दैट इज़ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, तो ये आपके राइस में भी प्रेजेंट होती है, कॉटन में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मेल स्टेरिलिटी हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है, तो दैट इज़ योर, कौन सी है, दैट इज़ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर कैनाल इरीगेशन। कैनाल इरीगेशन में सबसे ज़्यादा एरिया कौन से स्टेट के पास है, केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश।
तो सबको पता है कि कैनाल इरिगेशन में सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है, दैट इज़ ऑफ योर उत्तर प्रदेश, ठीक है, किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। अगर हम देखें जो लार्जेस्ट सोर्स है इरिगेशन का, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन वो क्या है, ठीक है, इरिगेशन का लार्जेस्ट सोर्स क्या है, दैट इज़ ट्यूबवेल, क्या है, ट्यूबवेल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज़ नोन एज जापानीज मिंट। अब जापानीज मिंट किसे बोलते हैं, दैट इज़ मेंटा पेपरेटा, मेंटा स्पिकाटा, मेंटा सिट्रेट, मेंटा एरवेंसिस। सो याद रखना जो मेंटा पेपरेटा है इसको बोलते हैं पेपरमिंट, कौन सा मिंट बोलते हैं, दैट इज़ पेपरमिंट, ठीक है। इसमें पूछा है जापानीज मिंट कौन सा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो मैं ये मेंटा स्पिकाटा है इसको बोलते हैं गार्डन मिंट। मिंट तो सबको पता है ना, दैट इज़ पुदीना, जो पुदीना होता है उसको बोलते हैं मिंट, ठीक है। तो वो पूछा जापानीज मिंट किसको बोलते हैं, सो मेंटा अरवेंसिस जो है इसको बोलते हैं जापानीज मिंट, ठीक है, करेक्ट इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अ वाइबल सीड विच इज़ नॉट एबल टू जर्मिनेट। एक ऐसा सीड है, वाइबल है, वाइबल का मतलब है जो जर्मिनेट हो सकता है, बट इट इज़ नॉट एबल टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि उसको जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए जर्मिनेट होने के लिए वो नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। तो तब वो केस में चला गया, डॉर्मेंसी में चला गया। तो ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे, जो एक वाइबल सीड है लेकिन जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंटल रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, वो डेड सीड होता है, हार्ड सीड होगा, डॉर्मेंट सीड होगा या क्वेसेंट होगा, उसको बोलते हैं क्वेसेंट, क्या बोलते हैं, क्वेसेंट। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाइट ऑफ नॉरिन टेन। आपको पता है नॉरिन टेन क्या है, नॉरिन टेन इज़ अ जापानीज वेराइटी, ये एक जापानीज वेराइटी है, ठीक है, ये एक जापानीज वेराइटी है, ओके। और वहीं हम देखें इसमें क्या होता है, इसमें ड्वार्फिंग जीन प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ड्वार्फिंग जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वीट में आपने प्रेजेंट होगा ना नॉरिन टेन, तो इसके अंदर नॉरिन टेन एक जापानीज वेराइटी होती है, इसमें ड्वार्फिंग जीन प्रेजेंट होते हैं SD1 एंड SD2। अब वो पूछ रहा है कि जो नॉरिन टेन है उसकी जो हाइट है वो कितनी रहती है, सो नॉरिन टेन की जो हाइट होती है वो होती है 2 feet, कितनी होती है, 2 feet की हाइट होती है, ठीक है, करेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ सॉर्गम इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बनाने के लिए इसमें से कौन सा हम वेराइटी है सॉर्गम का उसको लेते हैं, वो है फूले पंचमी, फूले रोहिणी, फूले उत्तरा, फूले मधुर। तो याद रखना जो फूले पंचमी है इस वैरायटी को हम यूज़ करते हैं सॉर्गम में, क्या बनाने के लिए, पॉपकॉर्न बनाने के लिए। अच्छा कुछ अगर रिलेटेड पॉइंट्स देखें हम सॉर्गम के, तो आपको पता होगा जो सॉर्गम के ब्रीडर हैं, सॉर्गम के जो ब्रीडर हैं उनका नेम क्या है, दैट इज़ CR राव, ठीक है, जो CR राव हैं ये क्या हैं, आपके सॉर्गम ब्रीडर हैं। वहीं देखें सॉर्गम के लिए कोई सॉर्गम का जो पेस्ट है, द सॉर्गम पेस्ट विच लेड सिगार शेप एग, सिगार शेप के जो एग कौन सा पेस्ट है सॉर्गम का वो देता है, तो वो है ईयर हेड बग, कौन देता है, ईयर हेड बग देता है। उसके अलावा सॉर्गम की पॉपुलेशन देखिए पर हेक्टेयर, ठीक है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ सॉर्गम पर हेक्टेयर, ठीक है, सो वो आपकी रहती है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें 150,000 आपकी जो सॉर्गम है इसकी पॉपुलेशन रहेगी, वही अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा पेस्ट है जो सिगार शेप के एग देता है, तो याद रखना दैट इज़ ईयर हेड बग, ठीक है। ईयर हेड बग जो है आपकी जो सॉर्गम है उसके कैसे होते हैं, सिगार शेप के वो जो है एग्स को ले करता है। पॉपकॉर्न बनाने के लिए फूले पंचमी जो वेराइटी है उसका यूज़ होता है। सॉर्गम का टेस्ट वेट अगर आपसे पूछूं, टेस्ट वेट ऑफ सॉर्गम कितना होता है टेस्ट वेट, तो 25 से 30 ग्राम, ठीक है, 25 से 30 ग्राम जो है वो सॉर्गम का टेस्ट वेट है। वाटर यूज़ एफिशिएंसी सॉर्गम की, वाटर यूज़ एफिशिएंसी कितनी होती है, 9, ठीक है। इसके अलावा मैं पूछूं जो सॉर्गम का फर्स्ट हाइब्रिड है, ठीक है, CISH जो है ये फर्स्ट हाइब्रिड है सॉर्गम का, कब रिलीज़ किया गया था, 1964 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है, ये जो हाइब्रिड था सॉर्गम का इसको 1964 में रिलीज़ किया गया था। उसके अलावा मैं देखूँ सीड रेट, ठीक है, सॉर्गम का जो सीड रेट है वो कितना होता है,
सीड रेट याद रखना, सोरगम का जो सीड रेट है वो है 15 से 20 kg per hectare। ठीक है, 15 to 20 kg per hectare जो है वो सोरगम का सीड रेट है। सोरगम जो है, सोरगम इज़ अ इंडिकेटर ऑफ आयरन आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उसके लिए जो इंडिकेटर प्लांट का यूज़ करते हैं वो है सोरगम। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी के लिए जो हम इंडिकेटर प्लांट लेंगे दैट इज़ सोरगम। सोरगम का जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो होता है 1:100। याद रखना, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ सोरगम इज़ 1:100। इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपको सोरगम के रिलेटेड याद होने चाहिए। सीड रेट 15 से 20, टेस्ट वेट 25 से 30, आयरन डिफिशेंसी के लिए जो है सोरगम उसका यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है सोरगम का वो 1:100 रहता है। अब नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस इज़ इफेक्ट इज़ ड्यू टू। अब जो हिस्टेरिसिस इफेक्ट आता है ये किसकी वजह से आता है बेसिकली, तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की वजह से ही आपके आपका जो हिस्टेरिसिस इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। मोर फॉर लेस स्लोगन ऑफ SRI बिलोंग्स टू विच स्टेट। ठीक है, मोर फॉर लेस जो स्लोगन है ये आपके लिए SRI दैट इज सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन इसके लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सीड रेट हम जनरली कितना रखते हैं, 5 kg सीड रेट रख के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 5 to 6 kg का हम इसमें सीड रेट रखते हैं। और ये जो मेथड है ये आपका किसने दिया था, हेनरी डी लॉरी ने कब दिया था, दैट इज़ इन 1980 में इस सिस्टम को दिया था। ठीक है, तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो मोर फॉर लेस स्लोगन है ये आपका त्रिपुरा का है। किसका है, त्रिपुरा का है। किसके लिए है, SRI मेथड से जो है उसके लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग के जो फादर हैं उनका क्या नेम है, याद रखना दैट इज़ रुडोल्फ स्टीनर। क्या नाम है, रुडोल्फ स्टीनर। वहीं अगर हम देखें जो बायोडायनेमिक फार्मिंग है इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ वन ऑफ द मैथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये क्या है, मैथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही क्या है, मैथड है। अगर अब नेक्स्ट में देखूँ, That is your silage is fermented green forage prepared under which condition? अब आपको पता है silage क्या है, आपका generally green forage को prepare किया है उसमें, है ना, ferment कर दिया है, fermentation करके जो भी green आपका चारा था उसको ferment करके उन्होंने silage बना दिया। अब ये जो silage prepared हुआ है इसको कौन सी condition में prepared किया गया है, aerobic, open, closed या anaerobic? Aerobic in the presence of oxygen, anaerobic in the absence of oxygen। तो किस में करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें याद रखना जो गुड साइलेज होता है, गुड साइलेज का जो pH है, व्हाट इज द गुड साइलेज pH, तो ये होगा आपका 3.5 से 4.2। ठीक है, 3.5 से 4.2 जो है आपके जो साइलेज है उसका गुड pH होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉइल बल्क डेंसिटी इज़ ऑलवेज डैश देन पार्टिकल डेंसिटी। सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो हमेशा कैसी होती है, स्मॉलर या ग्रेटर? तो जो बल्क डेंसिटी होती है इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी से हमेशा जो बल्क डेंसिटी है वो स्मॉलर होती है। और अगर एवरेज बल्क डेंसिटी की बात करें तो वो कितनी रहती है, द एवरेज बल्क डेंसिटी इज़ 1.31 g/cc। ठीक है, और अगर हम देखें कि जो बल्क डेंसिटी है उसको मेजर कैसे करते हैं, तो बल्क डेंसिटी इज़ मेजर्ड बाय कोर सैम्पलिंग। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, कोर सैम्पलिंग से। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। फूले 265 इज़ एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, जो फूले 265 है ये किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है, शुगर केन, शुगर बीट, कॉटन या बाजरा? सो फूले 265 इज़ एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ योर दैट इज़ शुगर केन। किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है, शुगर केन की। अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें शुगर केन के बारे में, सो जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है शुगर केन की ग्रोथ के लिए, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन ग्रोथ वो कितना रहता है, दैट इज़ 26 से 32 degrees Celsius। ओके, अगर हम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करें शुगर केन का,
तो वो कब स्टार्ट किया गया था, 1972 1971 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगर हम पेरासिटॉइड की बात करें, दैट इज़ जिसको हम अगेंस्ट शुगर केन पारेलिया, ठीक है, शुगर केन पारेला के लिए हम जिस पेरासिटॉइड का यूज़ करते हैं उसका नेम क्या है, तो सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ एपिहिराना, ठीक है, मिलानोलुका। स्पेलिंग चेक कर लेना, दैट इज़ एपिहिराना मिलानोलुका इज़ अ पेरासिटॉइड विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट द शुगर केन पारेला। ठीक है, ये एक पैरासिटॉइड है जिसका यूज़ आप शुगर केन पैरेला के अगेंस्ट में करते हो। शुगर केन की एक डिजीज़ है, दैट इज़ पाइन एप्पल डिजीज़। ठीक है, पाइन एप्पल डिजीज़ वो किसकी वजह से होती है, जिसका आप जो नेम है दैट इज़ केराटोसिस्टिस। ठीक है, केराटोसिस्ट पैराडॉक्सा ये उस डिजीज़ का नेम है। ठीक है, दैट इज़ केराटोसिस्ट पैराडॉक्सा इज़ अ पाइन एप्पल डिजीज़। पाइनएप्पल डिजीज़ पाइनएप्पल में नहीं होती है, शुगर केन में होती है, और ये आपके एक फंगस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू फंगस। ठीक है, ये एक फंगस की वजह से जो डिजीज़ है पाइनएप्पल डिजीज़ शुगर केन में होती है एक फंगस की वजह से। अगर हम शुगर केन के लिए TSS देखें तो कितना TSS होता है शुगर केन में, 20 bricks, कितना 20 bricks होता है। ठीक है, शुगर केन एक कैसा प्लांट है, मिड डे प्लांट है। ठीक है, अगर हम देखें तो ना ही ये शॉर्ट डे है ना ही लॉन्ग डे है, ये एक मिड डे प्लांट है। वहीं अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो पॉलिनेशन है वो कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शुगर केन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को याद रखना, दैट इज़ ग्राम पर केजी। किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं, ग्राम पर केजी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को किस में करेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को किस में करते हैं, दैट इज़ योर कितने करेंगे, ग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें क्या होता है, एवरेज या वेट ऑफ वाटर वेपर, वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वेट कितना है वाटर वेपर का एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर या वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किससे मेजर करते हैं, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज में देखेंगे कैसे करेंगे, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, एंड अपॉन में नीचे लिखोगे वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन के लिए कितना वाटर वेपर चाहिए एंड एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, उसकी जो आप परसेंटेज निकालते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। देखो, वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर या प्रेजेंट इन द एयर अपॉन में वेट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में ही नापा जाता है। अगर हम नेट ATP की बात करें, कितना ATP आपका नेट गेन ऑफ ATP इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितने ATP की रिक्वायरमेंट होती है, सो वो है 38। कितने ATP, 38 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। केल्विन साइकिल में कितने ATP बनते हैं, दैट इज़ 18 ATP। ठीक है, वहीं देखोगे ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बनते हैं, 8 ATP बनते हैं। केल्विन में 18, ग्लाइकोलाइसिस में दैट इज़ केल्विन में बनते हैं 18, ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं 8। और आपके क्राइब साइकिल में कितने ATP बनते हैं, दैट इज़ योर 30। ठीक है, क्राइब साइकिल में 30 ATP बनते हैं। इंपॉर्टेंट है याद रखना, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको 38 ATP चाहिए होते हैं। ठीक है, नेट गेन ऑफ ATP इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन में या फिर ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, ठीक है, एक ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को तोड़ के कितने ATP की जो एनर्जी है वो निकलती है, दैट इज 38 ATP। केल्विन साइकिल में कितने बनते हैं, दैट इज 18। क्राइब साइकिल में बनेंगे 30 और आपके ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं 8 ATP। इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखना। अमंग कुकुरबिट्स विच फ्रूट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, कुकुरबिट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या रिचेस्ट सोर्स जो है आयरन का वो कौन सा फ्रूट होता है, मस्क मेलन, वाटर मेलन, बॉटल गार्ड या नन ऑफ द अबव।
सो कुकुरबिट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या रिचेस्ट सोर्स है आयरन का, वो आपका रहता है वाटरमेलन. कौन सा रहता है? वाटरमेलन. सो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन आर जनरली सीडलेस. जो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन है वो कैसे होते हैं? सीडलेस. कैसे होते हैं? सीडलेस. ओके. वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें, और ये जो सीडलेस कैसे होंगे, क्योंकि इसमें जो क्रॉस होता है ना, इट इज़ ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन द टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का क्रॉस जब होता है तो आपके ट्रिप्लॉइड बनते हैं. ठीक है, तब आपके ट्रिप्लॉइड फॉर्म होते हैं. शुगर बेबी किसकी वेराइटी है? शुगर बेबी इज़ अ वेराइटी ऑफ योर वाटरमेलन. ओके. एंड ये बहुत फेमस वेराइटी है. जो कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुई है? इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द USA. अगर हम एंचेस्टर्स की बात करें, शुगर मतलब जो वाटरमेलन है, इसका जो एंचेस्टर है वो कौन है? तो दैट इज़ याद रखना, सिट्रुलस. सिट्रुलस दैट इज़ कोलोसेंथिस. स्पेलिंग याद रखना, कोलोसाइंथिस. ठीक है, ये आपके जो वाटरमेलन है उनके क्या थे? एंचेस्टर्स थे. उनके एंचेस्टर जो एडिबल पार्ट हम इसमें क्या खाते हैं? मेसोकार्प. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फ्लेवरिंग कंपाउंड इन बटर. बटर के अंदर जो फ्लेवरिंग कंपाउंड है वो लैक्टिक एसिड, डाइएसिटाइल दैट इज एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल, कौन सा है? तो फ्लेवरिंग जो कंपाउंड है बटर में वो है डाइएसिटाइल. ठीक है, कंप्लीट जिसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. और इसका जो ऑप्शन है कुकुरबिट्स में वो है ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट है, बटरफ्लाई इज अ वेराइटी ऑफ. अब जो बटरफ्लाई, ये किसकी वेराइटी है? तो ये एक वेराइटी से क्वेश्चन है. जो बटरफ्लाई वेराइटी है ये हिबिस्कस की है. ठीक है, करेक्ट इसमें है ऑप्शन नंबर ए. वहीं निवेदिता इज अ वेराइटी ऑफ. निवेदिता किसकी वेराइटी है? दैट इज जरबेरा. निवेदिता किसकी वेराइटी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. जरबेरा की जो वेराइटी है वो है निवेदिता. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विकिंग इज अ रूट स्टॉक ऑफ. जो विकिंग है ये किसका रूट स्टॉक है? तो विकिंग याद रखना, ये एक आलमंड. ठीक है, जो आलमंड होता है बादाम, उसका रूट स्टॉक है विकिंग. अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट देखें, जो म्यूटेंट वेराइटी है, नेम द म्यूटेंट वेराइटी ऑफ आलमंड, तो वो कौन सी है? दैट इज सुपरनोवा. ठीक है, सुपरनोवा इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ योर आलमंड. और ये कहाँ, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आलमंड का, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आलमंड वो कौन है? दैट इज़ USA. कौन है? USA. उसके अलावा देखो, जो बोटानिकल नेम है आपके आलमंड का वो होता है प्रूनस. ठीक है, अमाइग्लेडस. और अगर इसमें कुछ और देखें तो कैलिफोर्निया पेपर शेल एक वेराइटी है. कैलिफोर्निया बहुत फेमस वेराइटी है आलमंड की, कैलिफोर्निया पेपर शेल. ठीक है, किसकी वेराइटी है? आलमंड की वेराइटी है. उसके अलावा जो स्लो है, स्लो इज़ अ हाइब्रिड. ठीक है, स्लो एक हाइब्रिड है किसका? आलमंड का. वही जो उसमें प्रोपोगेशन करते हैं, ठीक है, आलमंड में जो प्रोपोगेशन करते हैं वो किससे करते हैं? टी बडिंग से करते हैं. ओके. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग. नेक्स्ट है, फ्रेंडशिप फ्रूट इज़ ऑल्सो नोन एज. फ्रेंडशिप फ्रूट किसको कहते हैं? पाइन एप्पल को कहते हैं, एप्पल को कहते हैं, मैंगोस्टीन को कहते हैं, या जामुन को कहते हैं? सो फ्रेंडशिप फ्रूट इज़ ऑल्सो नोन एज पाइन एप्पल. किसको कहते हैं? पाइन एप्पल को कहते हैं. और अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखूँ तो पाइन एप्पल का नाम क्या होता है? दैट इज़ अनानास, अनानास सटाइवस. ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है. और इसकी जो वेराइटी है वो कौन कौन सी हैं? क्यू, क्वीन, मॉरिशियस. ठीक है, ये सारी वेराइटी कैसी होती हैं आपके जो फ्रेंडशिप फ्रूट है उसकी वेराइटी हैं. और प्लांटिंग सकर्स का वेट कितना होता है? ठीक है, प्लांटिंग सकर्स जो आप इसके सकर्स लगाते हो ना, उनका वेट कितना होता है? 300 से 350 ग्राम. ठीक है, 300 से 350 ग्राम जो है इनके सकर्स का वेट रहता है. और इसमें जो आप देखोगे पार्थिनोकार्पी प्रेजेंट रहती है, तो वो कौन सी होती है? वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी. कौन सी होती है? वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी. ओके. एंड जो फैमिली है इसकी आपके पाइनएप्पल की, वो सबको पता है, दैट इज ब्रोमिलिएसी. ठीक है, ब्रोमिलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं. वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी इसमें प्रेजेंट होती है. अनानास सटाइवस इसका नेम है. क्यू, क्वीन, मॉरिशियस इसकी वेराइटी हैं. इनके सकर्स का वेट 300 से 350 ग्राम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज सिस्टम इंक्लूड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर. अब पंचायती राज सिस्टम जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया था? 70 अमेंडमेंट, 71st, 72 या 73rd? सो इम्पॉर्टेंट है जो पंचायती राज सिस्टम है ये आपका 73rd अमेंडमेंट में आया था. कब आया था?
73rd. तो करेक्ट इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी. RTS दैट इज़ रेडी टू सर्व, इसका जो TSS होता है, ठीक है, इसका जो आपका TSS है वो कितना रहता है, याद रखना, दैट इज़ 10. कितना रहता है इसका TSS? 10. सो करेक्ट इसमें है ऑप्शन नंबर ए. दैट इज़ पैंडन इज़ अ वेराइटी ऑफ, अब जो पैंडन है ये किसकी वेराइटी है, कॉफ़ी, कोका, कैशू नट या फिर टी. सो पैंडन इज़ अ वेराइटी ऑफ अ टी, किसका है, टी की वेराइटी है. और ये जो सबसे पहले टी जो थी वो आपके रॉबर्ट ब्रूस ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस ने एनकाउंटर करी थी, ठीक है, किस टाइम पर करी थी, 1823 के अंदर इसको इन्होंने इस जो टी है उसको एनकाउंटर किया था. टी के अंदर जो बिटर टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट इन टी इज़ ड्यू टू टैनिन, किसकी वजह से आता है, टैनिन की वजह से आता है, ठीक है. और अगर हम देखें जो आपके टी है ये कैसी क्रॉप है, दैट इज़ कैल्सीफ्यूज, ठीक है, कैल्सीफ्यूज क्रॉप है. कैल्सीफ्यूज क्रॉप का मतलब क्या होता है, लाइम हीटिंग, ऐसी क्रॉप है जो क्या करती है, लाइम को हीट करती है. सो लाइम हीटिंग क्रॉप है, लाइम को पसंद नहीं करती है, ऐसी क्रॉप है. इसके अलावा टी जो बोर्ड, टी बोर्ड है, ठीक है, टी बोर्ड जो है वो कहाँ पे है, याद रखना, दैट इज़ इन दी कोलकाता, वेस्ट बंगाल में टी बोर्ड है आपका. किस टाइम पर है, 1945 में है. किस टाइम पर है, 1945 में आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता में टी बोर्ड है. सुपर फूड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो सुपर फूड है वो क्या है आपका, चाइनीज़ कैबेज है. क्या है, चाइनीज़ कैबेज, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. अगर हम चाइनीज़ कैबेज के साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या होगा, ब्रेसिका चाइनेंसिस या फिर ब्रेसिका पेकेंसिस, ठीक है, ये इसका आपका साइंटिफिक नेम हो गया. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ सोशल साइंस. अब जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये एक ऐसी साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है. आपको पता है कि इसमें हम जनरली सोसाइटी से कनेक्ट रहते हैं, है ना, तो एक सोशल साइंस के अंडर में आती है. लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये किसका प्रोग्राम है, लैब टू लैंड, ICR का, ठीक है, जिसमें हम लैब से कहाँ गए, लैंड तक गए. सो रिसर्च वर्क एंड एक्सटेंशन वर्क, ये दोनों कैसे हैं, रिसर्च वर्क और एक्सटेंशन वर्क दोनों ही कैसे हैं आपके, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है. नेक्स्ट है, द बेस्ट एक्सटेंशन मैथड इज़ डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड सब्जेक्ट मैटर. जो भी बेस्ट एक्सटेंशन मैथड है वो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट मैटर पे और सिचुएशन पे. म्यूटेंट वेराइटी ऑफ पपाया, दैट इज़ पूसा नन्ना. कैसी है पूसा नन्ना, म्यूटेंट वेराइटी है, ये एक ड्वार्फ वेराइटी है, डायोशियस है. इसकी हाइट कितनी होती है, 106 meters हाइट होगी इसकी. एंड द म्यूटेंट पूसा नन्ना वॉज ऑफिशियली अप्रूव्ड इन 1986. कब अप्रूव हुई थी ये वैरायटी, पपाया की म्यूटेंट वैरायटी पूसा नन्ना 1986 में हुई थी. ये IRI में डेवलप की गई है, पूसा बिहार बाय गामा रेडिएशन, ठीक है, पूसा बिहार में इसको डेवलप किया गया IRI में, कहाँ से, किसके थ्रू, गामा रेडिएशन के थ्रू. किसके थ्रू, गामा रेडिएशन के थ्रू जो है इसको डेवलप किया गया. नेक्स्ट है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज सूटेड फॉर ऑल केसेज वेयर वी विश टू शो द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेड टेक्नोलॉजीज इन फार्मर सिचुएशन. रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ हम विश करते हैं जो रिजल्ट शो करने के लिए रिकमेंडेड टेक्नोलॉजीज़ के फार्मर सिचुएशन पे, है ना, जो भी फार्मर की सिचुएशन है हमें वहाँ पर रिजल्ट शो करने होते हैं, वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजीज़ को हम जब दिखाते हैं या कुछ भी हमें रिजल्ट देना होता है, जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उस टेक्नोलॉजी को हमने फार्मर्स के सामने यूज़ करके और उसको हमने उनको क्या देना होता है, रिजल्ट देना होता है, तो दैट इज़ रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन. प्रेशर टेस्टर इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ होता है, मैच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए प्रेशर टेस्टर यूज़ करते हैं. एलोक्लोर का जो साइंटिफिक नेम है या जिसको और नेम से हम उसको लेते हैं, वो कमर्शियल नेम है, वो है लासो, ठीक है. एसिडिटी इन सॉइल, सॉइल में एसिडिटी किसकी वजह से आती है, एल्यूमिनियम की वजह से आती है. वाइट कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का जो वाइट कलर है वो किसकी वजह से होता है, केसिन की वजह से होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई, दैट इज़ एंथेलिया ल्यूजेंस प्रॉक्सिमा, ठीक है, ये आपका मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई का नेम है. ये एक ओनली पेस्ट बिलोंग्स टू दी हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर, इंपॉर्टेंट है, जो मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई है उसका ऑर्डर क्या है, हाइमेनोप्टेरा. क्या है उसका नाम, एंथेलिया ल्यूजेंस प्रॉक्सिमा, ठीक है. ओविपोजिशन अंडरसाइड लीफ मार्जिन या प्यूपेशन, ठीक है, वो कहाँ कहाँ करती है, ये आपके ओविपोजिशन करेगी लीव्स मार्जिन में या प्यूपेशन कहाँ करेगी, सॉइल में करती है. वीट वेराइटी विच इज़ रेजिस्टेंट टू ऑल थ्री रस्ट, कौन सी वेराइटी है जो तीनों रस्ट रेजिस्टेंट है, चोटी लर्मा. नेक्स्ट है, कलरिंग एजेंट यूज्ड इन बटर, बटर में किसका कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, वो है अनाटो, ठीक है. द कलरिंग एजेंट यूज्ड इन बटर इज़ अनाटो. वाटर हाइनेथ इज़ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बाय ऑफसेट,
वाटर हाइनेथ को जो हम प्रोपोगेट करते हैं वो कैसे करते हैं, ऑफसेट के थ्रू करते हैं। नाउ द एवरेज परसेंटेज ऑफ हर मैफ्रोडाइट फ्लावर इन मैंगो, मैंगो में जो हर मैफ्रोडाइट फ्लावर की परसेंटेज है वो कितनी रहती है, 10। कितनी परसेंटेज रहती है, 10 रहती है। नाउ द पेपेन एक्सट्रैक्शन इज हाईएस्ट इन, अब जो पेपेन एक्सट्रैक्शन है वो हाईएस्ट किस में होता है, रेनी सीजन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पेपेन है वो कहाँ मिलता है, आपको रेनी सीजन में मिलेगा। नेक्स्ट है द इंटरनल ब्राउन इन पोटैटो इज ड्यू टू मॉइस्चर डेफिशिएंसी, अब जो इंटरनल ब्राउनिंग होती है ना पोटैटो के अंदर, क्या होता है इंटरनली ब्राउनिंग आ जाती है, वो किसकी वजह से आती है, मॉइस्चर डेफिशिएंसी की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, जो मॉइस्चर इंटरनल मॉइस्चर डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब इंटरनली वो जो क्या हो जाएगा, पोटैटो ब्राउन हो जाता है, तो वो मॉइस्चर डेफिशिएंसी, मॉइस्चर की कमी हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पेपेन कौन से सीजन में एक्सट्रैक्ट होगा, रेनी सीजन में। वाटर हाइनेथ कैसे प्रोपगेट होते हैं, ऑफसेट से, ठीक है। अब हर हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर अगर हम देखें मैंगो में उसकी परसेंटेज कितनी रहती है, कितने आपके हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर होंगे, तो 10। हॉलो हर्ट यानी खोखला हो जाएगा आपका जो पोटैटो है अंदर से, वो आपका एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, जो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन आप अप्लाई कर देंगे उससे। ब्लैक हर्ट, ठीक है, काला हो जाएगा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से। ब्राउन हो गया किसकी वजह से, मॉइस्चर। काला हो गया ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से। हॉलो हो गया यानी खोखला हो गया नाइट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेलाइन सॉइल इज मोर देन 4, ठीक है। इन अनियन द आउटर स्किन कलर इज ड्यू टू क्वेसेटीन, ठीक है। अनियन का जो बाहर का कलर डेवलप होता है, जो स्किन डेवलप होती है, कलर नहीं, वो क्वेसेटीन की वजह से होती है। पीएम कृषि संपदा योजना इज रिलेटेड टू बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। पीएम कृषि संपदा जो योजना है ये किसके लिए है, फूड प्रोसेसिंग को, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए हम पीएम कृषि संपदा योजना को लेके आए थे। अब जो आपका आज का लेक्चर था, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रस्पेक्टिव से, सब चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा हो, एंड डेली आपको इसी तरीके की वीडियोस रेगुलरली आपके जो आपका यूट्यूब चैनल है एग्री विद स्पार्क, इस पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हम नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स हैं वो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू रखकर ही आपके जो वीडियोस हैं उनको अपलोड करते हैं। सो मेक श्योर कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ योर एग्री विद स्पार्क।